क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या CBSE UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, IIT, JEE, मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउट नट ऐप पर। इसके साथ ही डाउट नट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउट नट ऐप इंस्टॉल कीजिए। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। त्रिभुज नाम त्रिभुज है चैप्टर का, लेकिन एक्चुअल नाम जो है ना चैप्टर का ये होना चाहिए, समरूपता। क्योंकि ये जो पुराना कोर्स है उसमें समरूपता था, इसमें त्रिभुजों की समरूपता हम पढ़ेंगे, हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। समरूपता होता क्या है? देखो भाई, दो चीजें होती है, एक होता है आपके समरूप और एक होता है आपके सर्वांग समता। सर्वांग समता होती है और एक होता है समरूप होता है। देखो, सर्वांग समता का मतलब होता है भुजाएं बराबर, कोण बराबर। कोई भी दो डायग्राम देखो, यहां पर जैसे ये डायग्राम और ये डायग्राम, ध्यान से देखना भाई, ये अंदर वाला डायग्राम और ये अंदर वाला, ये डायग्राम दोनों बिल्कुल नाप में एक जैसे हैं, तो क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अब सर्वांग सम में हमेशा इस साइन का यूज करते हैं, ऐसे ध्यान से देखना भाई, ये साइन इसमें भी आता है और ये साइन इसमें भी आता है। इस समरूप और सर्वांग सम दोनों एक जैसी चीज ही है, बट फर्क क्या है? इसमें इक्वल भी आता है, मतलब दिखने में एक जैसा और नाप में भी बराबर है, मतलब भुजाएं बराबर, कोण बराबर। इसमें भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं होती है समानुपाती और कोण होते हैं आपके बराबर, मतलब दिखने में जैसे जैसे यहाँ पर देखो, ये सब के सब, ये छोटा बड़ा, ये और ये क्या है? आपके समरूप है। अगर मैं यहाँ पर लूँ कोई भी, जैसे इसके और इसके बारे में अगर कंपेयर करेंगे, या इस बड़े वाले के और इसमें कंपेयर करेंगे, तो क्या आएगा? आपके सिमिलरिटी आएगी। इसका मतलब होता है दिखने में एक जैसा बस, लेकिन इक्वल रेडियस नहीं है। इसकी रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी रेडियस है, जबकि इसकी रेडियस जो है ना वो छोटी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब समरूप आकृतियां देखो, ध्यान देना, काफी आकृतियां हैं जो समरूप होती है, लेकिन उसमें आपको दो चीजें बराबर करनी पड़ेगी। आपको एक तो कोण करना पड़ेगा भाई आपको बराबर, कोण क्या करना पड़ेगा भाई आपको बराबर, और भुजाएं क्या करनी पड़ेगी भाई आपको समानुपात। दोनों काम आपको साथ में करने पड़ेंगे। कुछ आकृतियां ऐसी है जो बिना कोण बराबर किए, बिना भुजाएं समानुपाती किए, वो हमेशा क्या रहती है? समरूप रहती है। अब वो कौन कौन सी है? एक तो ये है भाई हमारा नंबर 1, वर्त। बिना सिद्ध किए डायरेक्ट लिख सकते हो, वर्त बोलोगे आप अपनी क्लास में, बोलोगे कि भाई वर्त बनाओ, आपने रेडियस नहीं दिया, त्रिज्या नहीं दी और ऐसे ही बोला वर्त बनाओ, तो सबके सब क्या बनाएंगे? गोल ही बनाएंगे भाई। बनाना प्रकार से है, तो कोई छोटा प्रकार लेगा, कोई बड़ा लेगा, बनेगा क्या? वर्त ही बनेगा। एक होता है हमारे वर्ग। अगर आप बच्चों को बोलोगे कि वर्ग बनाना है, भुजा नहीं देंगे, फिर भी उनके माइंड में एक चीज़ तो रहती है कि भाई हमें चारों भुजाएं बराबर करनी हैं और प्रत्येक कोण हमें 90 डिग्री का करना है। तो ये चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, ये नियम तो आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। तो किसी को भी बोलोगे तो वो वर्ग बना देगा और क्या बनेगा? समरूप ही बनेगा। और तीसरा है भाई आपके समबाहु त्रिभुज। ये तीन आकृतियां ऐसी है जिसको आप बिना किसी के, मतलब ये वाली चीजें आपको करने की भी जरूरत नहीं है, बिना प्रूफ किए ही आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? समरूप होते हैं, मतलब ये दोनों समरूप है, रूप एक जैसा है, ये भी आपके रूप एक जैसा है। इसके अंदर क्वेश्चन के जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वर्ग के बारे में और वर्त के बारे में नहीं होंगे भाई। इसमें जो समरूपता है वो केवल और केवल त्रिभुज के बारे में ही समरूपता आएगी, केवल त्रिभुज की समरूपता के बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। समरूप मतलब दिखने में एक जैसा, सर्वांग सम दिखने में भी एक जैसा और साथ में भुजाएं भी बराबर होती, उसे कहते हैं हम सर्वांग समता कहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
देखो यहाँ पर तीन डायग्राम हमारे पास दे रखे हैं, तीनों को अगर ध्यान दें तीनों बिल्कुल एक जैसी तस्वीर है, लेकिन कुछ छोटी है और कुछ बड़ी है। तो इसका मतलब हो गया भाई कि ये दोनों समरूप है, दिखने में एक जैसी, और ये भी समरूप है, दिखने में एक जैसी है बट छोटी बड़ी है, तो उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। समरूप के लिए हमेशा आपको दो चीज़ें होना दोनों कंपलसरी है, ध्यान रखना भाई, ये जो दे रखी है ना दोनों, दोनों के दोनों बहुत जरूरी है अभी, ऐसा नहीं एक होगा तो चलेगा। मतलब कोण भी बराबर हो और भुजाएं भी क्या हो आपके एक ही अनुपात में, या समानुपाती भी कह सकते हो, समानुपाती मतलब समान अनुपात में, एक ही अनुपात में है, तो संगत कोण बराबर है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो वो दोनों आकृतियां आपस में क्या रहती है, समरूप रहती है। जैसे यहां पर देखो एक एग्जाम्पल भी दे रखा आपके, तो उसको हम लेते हैं, यहां पर ध्यान लगाओ, देखो भुजाओं के बारे में लेते हैं पहले हम, दोनों नियम काम करेगा तभी जाकर ये समरूप होगा। अब देखो पहले कोण ले लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं भाई यहां पर कोण, कोण का नियम पहले दे रखा आपके, संगत कोण बराबर हो, संगत मतलब ये जो कोण यहां आता है वही यहां कोण, देखो 105 105 बराबर है 100 100, 70 70, 85 85, इसका मतलब पहला नियम आपके काम कर रहा है, कोण बराबर है, पहला काम तो आपके भाई चल गया। दूसरा लेते हैं हम भुजाएं, भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। अब एक ही अनुपात का मतलब ये हो गया, अभी देखो ये इसका डबल है तो ये इसका डबल है, देख लो डबल है, 25 का डबल 50, 24 का डबल 48, 21 का डबल 42, मतलब भुजाएं क्या है भाई आपके एक ही अनुपात में है, या भुजाएं क्या है भाई आपके एक ही अनुपात कह दो, या फिर आपके एक अनुपात कह दो, या फिर समानुपाती कह सकते हो आप, समानुपाती कह सकते हो, या कह सकते हो एक ही अनुपात में है, अनुपात दोनों का क्या है भाई बराबर है। ये दोनों नियम काम करेंगे तो ही समरूप होगा, इसका मतलब ये जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या है भाई आपके समरूप है। अगर दोनों में से एक भी नियम काम नहीं करता है तो समरूप नहीं होगा। देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा यहां पर ध्यान लगाओ भाई, एक लिया है वर्ग और एक लिया है आपके आयत लिया है। अब ध्यान देना भाई, पहला काम है कोण का, कोण देखो भाई इसके सब 90 है, इसके भी सब 90 है, तो मतलब कोण क्या होंगे भाई आपके बराबर, मतलब कि भाई आपका पहला नियम तो काम कर रहा है। अब लेते हैं हम भुजाओं के बारे में, तो यहां पर तीन तो यहां पर भी तीन, मतलब बराबर है, भुजाएं बराबर आ रही, इधर देखो बराबर आ रही है, बट यहां पर तीन यहां पर 3.5 आ गई भाई। अगर यहां पर भुजाएं बराबर है तो ये भुजा भी बराबर होनी चाहिए थी, तो यहां पर भुजाएं क्या है भाई समानुपाती नहीं है, भुजाएं समानुपाती नहीं है, एक ही अनुपात में नहीं है, इसका मतलब ये दोनों आकृतियां आपके समरूप नहीं है। तो यहां पर लिखा हुआ है संगत भुजाएं एक अनुपात में नहीं है, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। एक आकृति और लेते हैं, इस बार भुजाएं समानुपाती, ध्यान दो भाई ये इसका डबल है, तो इसका डबल ये रहा, इसका डबल ये रहा, इसका डबल ये रहा, तो भुजाएं क्या है भाई आपके इस बार, भुजाएं दे रखी है समानुपाती। अब कोण के बारे में बात करते हैं, कोण देखो भाई यहां पर तो आपके 90 डिग्री है बट यहां पर आपके 90 डिग्री नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कोण जो है ना वो बराबर नहीं है, तो दोनों आकृतियां आपस में समरूप नहीं है। देखो संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है परंतु संगत कोण बराबर नहीं है तो भी समरूप नहीं है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वो वाली चीज है ये, दोनों नियम काम करने चाहिए, भुजाएं संगत कोण बराबर भी हो और भुजाएं समानुपाती भी हो तो वो क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी है, ये वाली वर्त वर्ग और समभुज त्रिभुज, जिनको मैं बिना सिद्ध किए
बिना बुझाए ना पे सीधा डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि ये तीनों जो है हमेशा क्या होते हैं, समरूप रहते हैं। इनका बस नाम ही काफी है। वर्त लिखा हुआ है, वर्ग लिखा हुआ है, संभव लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होती है, हमेशा समरूप होती है। इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन में आ गए दो संभव त्रिभुज, संभव त्रिभुज का नाम लिया सीधा कह दो वो समरूप है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 6.1, कोष्टकों में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करो और रिक्त स्थानों को भरो। इसके लिए आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा अच्छे से, जो मैंने बताया हुआ है बेसिक वाला वीडियो सबसे पहले आप देख लेना। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दे रखा है, सभी वर्त, जो सभी वर्त बोला है, वर्त क्या होता है भाई, आपके गोल होता है, ऐसे छोटा बड़ा वर्त बोला है, त्रिज्या के बारे में नहीं बोला है। अगर यहाँ पर कह देते 5 सेमी वाले त्रिज्या वाले वर्त, तो हम लिखते सर्वांगक्षम। सर्वांगक्षम का मतलब होता है ये समरूप भी होता है और बराबर भी होता है। इसका मतलब होता है केवल समरूप, मतलब दिखने में एक जैसा। तो यहाँ पर वर्त बोला हुआ है तो सभी वर्त क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। जितने भी वर्त हैं छोटा बड़ा, सबके सब क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे आपके टीचर ने बोर्ड पर बनाया बहुत बड़ा रेक्टेंगल या बहुत बड़ा वर्त बनाया, तो आप क्या बनाओगे, छोटा बनाओगे, कॉपी आपके पास छोटी है तो रूप एक जैसा होगा। सभी वर्ग भी क्या होते हैं, ऐसे ही सेम चीज़ जो मैंने यहाँ बताया था, सेम चीज़ सभी वर्ग भी क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं, और मैंने बेसिक में भी आपको बता रखा है चीज़ें। और सभी कौन से वाले त्रिभुज, समबाहु वाले त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर हैं, सभी समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसको मैंने बेसिक में बता रखा है, वहां से आप देख सकते हो। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्त भी होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हैं, चाहे वो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, अष्टभुज है, समान संख्या मतलब भुजाओं समान है और वो अगर समरूप है तो क्यों है, क्योंकि उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। संगत कोण होने चाहिए बराबर, और उनकी भुजाएं जो है वो होनी चाहिए हमेशा समानुपाती होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई भी दो आकृति अगर आपको समरूप करनी है तो उसके लिए दोनों नियम होने चाहिए, कोण बराबर हो, भुजाएं समानुपाती हो, तभी वो दोनों आकृति आपस में क्या होती है, समरूप होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृतियां और जो आकृति समरूप नहीं उसके बारे में। सिंपल सा है, समरूप में मैंने तीन चीजें बताई थी आपको, वर्त बताया था, वर्ग बताया था, और संभव त्रिभुज बताया था। आप चाहो तो वर्त भी ले सकते हो समरूप आकृतियों के अंदर, तो मैं यहाँ पर वर्त ले रहा हूँ, एक छोटा वर्त ले लो और एक बड़ा वर्त ले लो, ऐसे दोनों की त्रिज्याएं क्या है अभी अलग अलग है। अब मान लो इसकी त्रिज्या थोड़ी कम है और इसकी त्रिज्या क्या है अभी ज़्यादा है। तीन चीज़ें हमेशा क्या होती है, समरूप होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम वर्त ले लिए। अब पहला जो है ना, उसकी जो त्रिज्या है, मान लो कि आप ऐसे ही मर्जी है जो नाम लिख सकते हो, मान लो कि ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, और जो सेकंड वाला है ये आपके, इसकी जो त्रिज्या है वो आपके दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ले सकते हो थोड़ा बड़ा ले सकते हो उसे। तो ये हो गया अभी हमारा पहला काम, वर्त ले सकते हैं। मैंने एक चीज़ और बताई थी, वर्ग भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पर वर्ग भी ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वर्ग ले लेता हूँ थोड़ा नीचे, तो एक छोटा वर्त वर्ग ले लिया और एक बड़ा वर्ग ले लिया ऐसे। तो मैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया है, दूसरा मैंने लिया है वर्ग। इसकी जो भुजा है मैंने यहाँ पर ले ली है 2 सेंटीमीटर, और इसकी जो भुजा है वो मैंने ले ली है, मान लो 4 ले लो, डबल लेकर आप वर्ग बना सकते हो। तो ये आपके समरूप है। ये मैंने पहला क्वेश्चन करवाया है, पहले का पहला ये वाला, ये भी समरूप है और ये भी क्या है भाई, समरूप है। सभी वर्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये मैंने पहला पॉइंट बता दिया है, दो उदाहरण लेने थे, मैंने दो उदाहरण दे दिए। अब लेते हैं ये वाला जो समरूप नहीं है वो लेते हैं। अब ले रहे हो यहाँ पर सेकंड का सेकंड,
ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है उनका आपके दो उदाहरण देने हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, देखो उदाहरण देने हैं आपको, तो मैं यहां पर उदाहरण ले रहा हूं। उदाहरण नंबर वन क्या करते हैं, इधर हम ले लेते हैं वर्ग और इधर ले लेते हैं हम आयत, तो भी दोनों समरूप नहीं होते। तो हम यहां पर लेते हैं भाई, पहले लेते हैं यहां पर वर्ग, फिर लेते हैं यहां पर हम आयत, ऐसे। तो ये दोनों समरूप नहीं है, इसके लिए आप लिख सकते हो कि ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप नहीं है। एक उदाहरण अगर आपको और लेना है तो एक उदाहरण और ले सकते हैं। तो यहां पर लेते हैं हम उदाहरण नंबर दो, यहां पर कोण तो बराबर है बट भुजाएं समानुपाती नहीं। ऐसे आप चाहो तो नाप लिख सकते हो इनके, जैसे मैं यहां पर इनके अगर नाप लिखूं, मान लो कि ये आपके 4 सेंटीमीटर है, नाप भी लिख सकते हो चाहो तो। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री है भाई, आपके 90 डिग्री है। अब मान लो ये 8 है और ये 2 है, और यहां पर प्रत्येक कोण कितना है भाई, आपके 90 डिग्री है। ये 8 तो ये भी 8, ये 2 तो ये भी 2। अब देखो ये इसका डबल है, तो यहां पर भी इसका डबल आना चाहिए, लेकिन यहां पर डबल नहीं है तो उल्टा आधा हो गया। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि वर्ग और आयत कभी भी आपस में समरूप नहीं होते। अब एक उदाहरण और लेते हैं, तो उसके लिए देखो मैं यहां पर ले रहा हूं, चाहो तो यहां पर त्रिभुज भी ले सकते हो। एक वर्ग लिया है तो हम यहां पर लेते हैं समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ऐसे। एक त्रिभुज और लेते हैं, यहां पर हम समद्विबाहु ले लेते हैं, एक लेते हैं हम यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज, तो भी हो जाएगा आपके। तो ये तो है भाई आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु, और ये हो गया भी आपके समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी ये तीनों भुजाएं बराबर है, बट इसकी क्या है कि दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा कुछ अलग ही है आपके। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे भी, आपके समरूप नहीं हो। कोण भी तो नहीं मिलते हैं, इसके सारे कोण तो बराबर है बट इसका एक कोण तो बराबर है, बट ये वाले कोण क्या है भी, आपके अलग अलग है, ऐसा। इसका ये अलग कोण है, ये दो अलग कोण होते हैं। तो कोण बराबर नहीं होते हैं, भुजाएं भी समानुपाती नहीं है, तो ये दोनों समरूप नहीं है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, आपको कुछ आते हैं तो अलग से वो भी आप दे सकते हो। आयत की जगह आप दूसरा चतुर्भुज भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बताना है कि ये दो आकृतियां जो दे रखी है समरूप है या समरूप नहीं है, बताना है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें हमें लेनी पड़ेगी, एक तो लेना है अभी आपको कोण और एक लेना है अभी आपको भुजाएं। दोनों कोण बराबर भी होने चाहिए और भुजाएं आपके एक ही अनुपात में होनी चाहिए, तभी जाकर दोनों आकृतियां क्या होगी भी, आपके समरूप होगी। तो हम यह स्टार्ट करते हैं। तो एक तो है भाई आपका पी क्यू आर एस और दूसरा है भाई आपका ए बी सी डी। इन दोनों के अंदर पहले भुजाएं ले सकते हो, कोण भी ले सकते हो। तो यहां पर अगर देखें तो पी क्यू बटा ए बी, मतलब नीचे वाली भुजा, यहां पर भी नीचे वाली बराबर है क्यू आर और बी सी के, बराबर है आर एस और सी डी के, बराबर है पी एस और ए डी के, क्योंकि इन दोनों का अनुपात है डबल, 3 और 1.5। ये 1.5 और 3 भी कह सकते हो, ये तो आपके 1.5 है ये सभी भुजाएं, और ये सभी भुजाएं आपके 3 हैं, तो पॉइंट हट गया, 0 लग गया। दोनों के अंदर आपके 2 का भाग जा रहा है, 15 का भाग जा रहा है, 15 एक 15 5 2 30, मतलब भुजाएं जो है ना वो आपके क्या है, समानुपाती है। भुजाएं क्या है भाई, आपके समानुपाती। अब आते हैं हम यहां पर कोण के बारे में आते हैं, तो हम यहां लेते हैं कोण। देखो भाई पी क्यू आर एस के जो कोण है ना, इसके जो कोण है वो कैसे हैं,
एक मतलब 90 डिग्री से कम भी है, 90 डिग्री ज्यादा भी है आपके, मतलब इसे कह सकते हो आप न्यून कोण भी है और अधिक कोण भी है, न्यून कोण भी है और इसमें कुछ कोण, क्योंकि यहाँ पर नाप तो दे नहीं रखा है, तो कुछ कोण, दो कोण आपके न्यून है और दो कोण क्या है भी आपके अधिक कोण है। लेकिन जैसे हम ABCD की बात करते हैं, तो ABCD के जो सभी कोण हैं वो कैसे हैं भी आपके समकोण हैं, मतलब 90 डिग्री के हैं। सामने देख लो यहाँ पर कोण बराबर नहीं है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि भुजाएं समानुपाती, आप इतना नहीं लिखकर डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं भुजाएं आपके एक ही अनुपात में हैं, लेकिन कोण बराबर नहीं है, संगत कोण कह दो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि पी क्यू आर एस जो चतुर्भुज दे रखा है और एक ए बी सी डी दे रखा है, ये दोनों आपस में समरूप नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट